नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर आप जरूर। साथियों, इस समय धान की रोपाई के लगभग 50 से 60 दिन हो गए हैं और इसी समय धान में वनस्पति ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिससे रोग व कीट लगने की समस्या अधिक होती है। वैसे तो धान में बहुत सारे रोग लगते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे धान के झोंका रोग यानी ब्लास्ट के बारे में। इसके साथ साथ इस रोग की पहचानने के लक्षण क्या क्या हैं, निवारण क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी दवा स्प्रे करना है, कब करना है, सही मात्रा क्या है और बहुत कुछ। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हाँ, आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेती किसानी से संबंधित वीडियो आपके लिए लाता रहता। चलिए शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम रोग के पहचान के बारे में देखते हैं। यह रोग एक कवक के कारण होता है, जिसे मैग्नाफोर्टे ग्लिजिया कहते हैं। वैसे तो इस रोग का संक्रमण नर्सरी से ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। मुख्य खेत में ये लक्षण कल्ले बनने की अंतिम अवस्था में प्रकट होते हैं। इसके लक्षण पूरे धान के पौधे पर दिखाई देते हैं। शुरुआत में पत्तियों पर आँख के आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में बड़े होकर अनियमित आकार के हो जाते हैं। धब्बों के किनारे भूरे रंग के, बीच वाला पोर्शन राख के कलर का हो जाता है, जो बाद में धब्बे आपस में मिलकर पौधे के सभी हरे भागों को ढक लेते हैं, जिससे फसल जली हुई दिखाई देने लगती है। इसके साथ साथ जब बालियां निकलने लगती हैं, तो जहां से बालियां निकलती है उस डंठल पर गुलाबी रंग के धब्बे बनते हैं और बालियां निकलते समय टूट जाते, जिससे उस बाली में धान नहीं बन पाता और पैदावार में भारी नुकसान होता है। अगर समय रहते नियंत्रण नहीं करेंगे तो यह नुकसान बढ़ता चला जाएगा। इस रोग के आने की आशंका आप इससे लगा सकते हैं कि अगर रात के समय का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था, दिन के समय का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, जो 2 से 3 दिन रह जाता है, इसके साथ साथ वातावरण में वाष्प की मात्रा अधिक है, तो इस रोग के आने की संभावना बढ़ जाती है। और यह सब देखकर आप पहले से ही अपने फसल की बचाव कर सकते हैं। नियंत्रण, साथ ही इस रोग के नियंत्रण की बात करें तो यह रोग कभी भी जड़ से खत्म नहीं कर सकते, मगर हाँ, कम तो जरूर कर सकते हैं। इसी को देखते हुए सबसे पहले आप अपने फसल में नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद के अधिक मात्रा में देने की चेष्टा न करें, नहीं तो यह रोग और फैला देगा। इसके साथ साथ यूरिया खाद को लेट दें, जिससे यह रोग खेत में कम दिखाई देगा और आप इस रोग से फसल को बचा सकते हैं। दूसरी बात, बीज को हमेशा शोधित करके बोएं। बीज को शोधित करने के लिए बीम नामक दवा को 4 ग्राम प्रति किलो हिसाब से या फनगोरिन 8 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से शोधित करें, जिससे रोग आने का खतरा 60-70% तक कम हो जाता है। उसके बाद आप खड़ी फसल में हेक्साकोना जो कोल जो मार्केट में कांटेफ के नाम से मिलती है, उसे 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ कारटोप नामक दवा को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इस दवा को छिड़काव करने के बाद यह रोग लगभग नियंत्रण में आ जाता है, तथा इसे 20 से 25 दिन के अंतराल पर दूसरी छिड़काव अवश्य कर दें। इसके साथ साथ आप रोग रोधी धान के किस्म को लगाकर इस रोग से निजात पा सकते हैं, जैसे कि विकास धान 110, कमला, जया, पंकज, बाला, पूसा, शंकर धान 3। यह कुछ रोग रोधी किस्में हैं जो अच्छे उत्पादन के साथ साथ रोग से बच जाती हैं। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम।